हेलो एवरीवन, मैं अरविंद झनू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपसे बात करूंगा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा के बारे में और अन्य कक्षाओं की परीक्षा कब होगी राजस्थान प्रदेश में। पहली से लेकर 12वीं तक की परीक्षाएं कब होंगी, किस महीने में होगी, किस तारीख से होंगी। साथ में बात करूंगा आपके मॉडल पेपर, परीक्षा पैटर्न, सत्रांक के बारे में, परीक्षा की जो भी टॉपिक्स हैं उन पर चर्चा करने वाला हूं। तो पेशेंस बना के वीडियो को एंड तक देखते रहें। साथ में जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। जेन्यून क्लासेस का ऑफिशियल इंस्टाग्राम है, वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कोई भी डाउट है, कोई भी क्यूरीज है तो वहां पर मुझे डीएम करें, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा। क्योंकि एक सोर्स होना चाहिए यूट्यूब के अलावा कहीं जुड़ने का, तो इंस्टाग्राम बेस्ट सोर्स है, तो आप वहां पर जुड़ सकते हैं हमसे। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो में सबसे पहले बात करूंगा कक्षा 10वीं और 12वीं। तो आप सभी को पता है कक्षा 10वीं और 12वीं के जो मॉडल पेपर हैं वो 15 जनवरी को बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो यहां पर सिर्फ 10वीं 12वीं के मॉडल पेपर नहीं, आपके कक्षा 6 से 12वीं तक के यानी क्लास 6 से 12 तक के मॉडल पेपर आ गए हैं। तो ये सभी क्लासेस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहां पर सभी क्लासेस के मॉडल पेपर जारी कर दिए। आप मॉडल पेपर कैसे देख पाएंगे, आपको कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे और किस पर वो आधारित है, ये सारी चीजें बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आपका सिलेबस आपने देख लिया होगा, सिलेबस करीब एक महीने पहले ही अपलोड कर दिया गया था आपकी ऑफिशियली वेबसाइट पर। तो सिलेबस में आप सभी को पता है, अगर मैं 9वीं से 12वीं की बात करूं तो आपका 60% सिलेबस बचा हुआ है और 40% सिलेबस रिड्यूस किया गया था। तो जो आपके यहां पर परीक्षा पैटर्न जारी हुआ है, आपके जो मॉडल पेपर जारी हुए हैं और नवीन पाठ्यक्रम के आधारित हुए हैं, मतलब कि जो आपका नया सिलेबस आया है जो 60% सिलेबस है उसी पर आधारित है, पुराने सिलेबस पर आधारित नहीं है। क्योंकि पुराना आपका 100% सिलेबस था और अब जो है आपके 60% सिलेबस बचा हुआ है, इसी के आधार पर आपके जो है यहाँ पर मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं। वहीं मैं बात करूं कक्षा 6 से 8वीं तक की बात करूं तो उनके सिलेबस में 50% की कटौती की गई है। तो 50% का जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहां पर जो है आपके 6 से 8वीं तक के जो मॉडल पेपर तैयार हुए हैं जो आपके नवीन पाठ्यक्रम के आधार पर तैयार हुए हैं, आपका 50% है और 9वीं से लेकर 12वीं तक का 60% है, ये ध्यान रखना है। तो कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, इसमें मैंने आपको बताया था 6 से 8वीं तक की क्लास के यहाँ पर जो है स्कूल लेवल पर आपको 50 मार्क्स भेजे जाएंगे और 50 नंबर का आपका पेपर होगा। तो 50% ही सिलेबस है, 50 नंबर का आपका लिखित पेपर होने वाला है और 50% आपके स्कूल से दिए जाएंगे। और यहां पर सभी क्लासेस के 6 से 12वीं तक के सभी क्लासेस के मॉडल पेपर अपलोड कर दिए हैं आपकी ऑफिशियली वेबसाइट पर। अब कहां अपलोड करें, तो एक तो आपके विभागीय वेबसाइट, जो भी आपके विभाग की वेबसाइट है डिपार्टमेंट, जैसे आरबीएसई बोर्ड की वेबसाइट पे उपलब्ध है, तो वो तो मात्र 10वीं 12वीं के हैं। इसके अलावा आपके स्कूल का, राजस्थान के स्कूल का एक अलग ही पोर्टल है जिसका नाम है साला दर्पण। तो साला दर्पण पे आपके सभी मॉडल पेपर उपलब्ध हैं। और वो आपको कैसे प्राप्त होंगे, तो कक्षा 6 से 12वीं तक के मॉडल पेपर प्राप्त करने के लिए आप अपने स्कूल से संपर्क करें। तो राजस्थान प्रदेश में जितने भी सरकारी गैर सरकारी स्कूल हैं उनकी जो साला दर्पण की वेबसाइट है, उनकी जो लॉगिन आईडी है उस पर अपलोड कर दिए गए हैं। यहाँ पर जो आपके साला दर्पण है उस पर राजस्थान सरकार ने आपके जो मॉडल पेपर हैं कक्षा 6 से 12वीं के, वो सभी मॉडल पेपर अपलोड कर दिए गए हैं। तो सभी स्कूल वालों से ये निवेदन है कि आप सभी बच्चों के साथ डिस्कस करें, टीचर्स को बोलें कि आप बच्चों को बताएं कि नवीन पाठ्यक्रम के आधार पर आपका जो इस बार पेपर पैटर्न है वो किस तरह का होगा, आपका यहाँ पर सिलेबस क्या है वो किस तरह का होगा, और आपके मॉडल पेपर यानी किस टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा वो आप बताएं। तो ये मतलब अब तक की सबसे बड़ी अपडेट थी कि 10वीं 12वीं का ही नहीं, 6 से लेकर 12वीं तक के आपके सभी मॉडल पेपर जारी हो चुके हैं। अब यहां पर मैं बात करूंगा बोर्ड परीक्षा की। कक्षा 10वीं और 12वीं की राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बोर्ड परीक्षा है वो स्टार्ट होगी 15 मई से और 15 जून तक चलेंगी। तकरीबन एक महीने आपकी बोर्ड परीक्षा होगी कक्षा 10वीं और 12वीं की। वहीं मैं बात करूं अन्य कक्षाओं की, जो नॉन बोर्ड क्लासेज हैं, चाहे वो 11वीं क्लास हो, 9वीं क्लास हो, 7वीं क्लास हो, इन सभी क्लासेज की एग्जाम होने वाली है आपकी जून मंथ में। जून महीने के अंदर आपकी सभी एग्जाम होंगी सभी क्लासेज की, बोर्ड क्लास के छोड़कर आपकी जितनी भी क्लासेज हैं उन सभी नॉन बोर्ड क्लासेज की एग्जाम जून मंथ के अंदर होंगी। जो एग्जाम आपकी मार्च में अप्रैल में होती थी अब वो एग्जाम जून में होगी। आप सभी को पता है कोविड-19 के चलते शिक्षण सत्र प्रभावित हुआ है, 2021
2021 की बात करूं तो अभी आपकी पढ़ाई शुरू नहीं हुई है, राजस्थान प्रदेश में आज से ही स्कूल ओपन हुए हैं, आज से ही आपकी पढ़ाई शुरू हुई है, तो करीब 4 महीने तो आपको प्रिपरेशन के लिए चाहिए, 4 महीने तो आपका जो बचा हुआ सिलेबस है उसको शिक्षकों को पढ़ाने के लिए चाहिए। तो 4 महीने में अपनी तैयारी करें, अपने सिलेबस को कंप्लीट करें, उसके बाद में जून मंथ में आपकी एग्जाम होगी। तो जो नॉन बोर्ड क्लास है वो सभी स्टूडेंट सुन लें, जून में आपकी एग्जाम होगी तो आपके पास में 4 महीने हैं। वही मैं बोर्ड क्लासेस की बात करूं तो आपके पास में 3-3.5 महीने हैं, 15 मई से आपकी एग्जाम होने वाली है, तो आपकी प्रिपरेशन में जुड़ जाएं। अब तक की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही थी कि जून मंथ में इस बार नॉन बोर्ड क्लास की एग्जाम करवाई जाएंगी। वही मैं बात करूं कि जब एग्जाम आपकी जून मंथ में होने वाली है तो यहां पर नॉन बोर्ड क्लास की स्कूल कब खुलेंगी, जो छोटी क्लासेज है, प्राइमरी क्लासेज है, कक्षा 1 से 8 तक के लिए स्कूल कब ओपन होंगे राजस्थान प्रदेश में, तो फरवरी मंथ में ओपन होने वाले हैं। राजस्थान सरकार ने बोल दिया है कि अभी फिलहाल हमने 18 जनवरी से यानी आज से कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए स्कूल को ओपन किए हैं। अगर परिस्थितियां सामान्य रहती हैं, कोई भी गड़बड़ नहीं होती है, कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है, कोई भी केसेस की संख्या नहीं आती है COVID-19 की, तो यहां पर फरवरी मंथ में जो बचे हुए क्लासेज है उसके लिए भी स्कूल को ओपन कर दिया जाएगा और फरवरी मंथ से आपके लगातार सुचारू रूप से क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी और आपके जून मंथ में सभी एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये सब जो चीजें हो रही हैं फटाफट से सारी चीजें वो इसलिए हो रही हैं जिससे कि आपका अगला सत्र प्रभावित नहीं हो। राजस्थान सरकार ने साफ बोल दिया है कि बिना एग्जाम के हम प्रमोट नहीं करेंगे किसी भी विद्यार्थियों को। इसके अलावा उन्होंने ये भी कह दिया है अगले सत्र को प्रभावित नहीं करेंगे, अगला सेशन जो है वो समय पे स्टार्ट हो इसलिए आपकी परीक्षा भी समय पे ले ली जाएगी, आपका रिजल्ट भी समय पे घोषित कर दिया जाएगा और आपके जो अगले एडमिशन होंगे वो भी समय पर होंगे। तो ये स्कूल से और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जुड़ी हुई कुछ अपडेट थी जो मैंने आपको बता दी है। ऐसी अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।